नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पर नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन आगामी चुनाव को लेकर अलर्ट पर है। यूपी में आचार संहिता लागू है, इसी कड़ी में नगर पंचायत इल्तिफातगंज में टांडा सीओ संजय तिवारी और थानाध्यक्ष इब्राहिमपुर सुनील पांडे ने अपने पुलिस बल दल के साथ नगर मोहल्ले कस्बे में पैदल गश्त किया। पैदल गश्त के दौरान आचार संहिता को कड़ाई से पालन कराने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और आम पब्लिक में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से बाकी चुनाव का माहौल है। आचार संहिता लागू हो गई, तो जो भी बैनर पोस्टर वगैरह हटे कि नहीं हटे और जहां पे उसको देख के उस पर कार्रवाई कराना और लोगों के प्रति मन में एक विश्वास की भावना उत्पन्न करने के लिए सायंकाल भ्रमण था। यूपी नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव 4 मई और 11 मई को होंगे। 4 मई को पहला चरण और 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। वहीं 13 मई को मतगणना होगी। बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक का सामने आया है बयान। उन्होंने कहा कि नामांकन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रहेंगे, अलग अलग कमरों में प्रत्याशी नामांकन करेंगे, जिसे लेकर सारी व्यवस्थाएं की गई है। नामांकन स्थल तक प्रत्याशी और उनके प्रस्तावक की एंट्री रहेगी, बाकी अन्य लोगों को बैन किया गया है। नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्याशी और उनके प्रस्तावक बिना भीड़ और समर्थकों के जा सकेंगे। तो नामांकन स्थल है, वहां पर भी जो इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस हैं, उसके तहत सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इसमें जो नामांकन स्थल हैं उनकी 200 मीटर की परिधि में बैरिकेडिंग की जा रही है और वहां से किसी भी जो भी अनुमन्य लोग हैं, जो 4 अनुमन्य लोग हैं, उन्हीं को वहाँ से एंट्री दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कोई भी वाहनों की भी एंट्री उस एरिया में नहीं होगी। जो भी वाहन आते हैं उनका चिन्हित पार्किंग स्थल उनके लिए बताया जा रहा है, जहाँ पर वो अपने वाहनों को पार्क करके फिर नामांकन हेतु आ सकते हैं। नामांकन के संबंध में जो भीड़ इत्यादि आती है, वो भी नामांकन स्थल का जो बैरिकेडिंग है वहाँ पर अलाउड नहीं है उसको, तो वो भी उसके लिए भी जो पुलिस प्रबंध है वो किए जा रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग वार्ड जो हैं उनको अलग अलग नामांकन स्थल में बांटा गया है और सभी नामांकन स्थल पर जनपदीय पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यूपी निकाय चुनाव 4 और 11 मई को होंगे। 4 मई को पहला चरण और 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। वहीं 13 मई को मतगणना होगी। इसी कड़ी में जनपद अंबेडकर नगर के पंचायत इल्तिफातगंज में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार और दावेदार पूरा अपना दमखम लगाना शुरू कर दिए हैं। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार और सभासद अपने अपने दावे और वादों से जनता जनार्दन से करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि नगर पंचायत इल्तिफातगंज में कुल 21 बूथ हैं और 15 वार्ड हैं और अगर मतदाताओं की बात करें तो 19,460 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। जितने भी मतदान केंद्र थे सबका निरीक्षण किया गया, उसमें इसके पहले ही सारा सुधार कर दिया गया था, फिर भी एहतियात के तौर देखा गया, सारी सब ठीक ठाक हैं। कहीं पानी कुछ पानी की समस्या है जिसे तत्काल दूर कर दिया जाएगा और एक एक दो बूथ पे बिजली की समस्या है उसको भी ध्यान में रखा गया है, चुनाव से पहले वो सब सही हो जाएगा। टोटल वोटरों की अगर संख्या की बात करें लगभग कितना है? हमारे नगर क्षेत्र में 15 वार्ड हैं जिसमें कुल वोटों की संख्या 19,460 है। बूथ कितने हैं? बूथ 21 बूथ हैं। रेणु देवी के पति हैं अजय कौसाधन उर्फ मोदी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो सामाजिक तौर पर समाज सेवी के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। कोरोना काल से लेकर अभी तक समाज में काफ़ी उन्होंने सेवा किया है लोगों के प्रति। हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। जी, आप ये बताइए, अपनी पत्नी को अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के तौर पर उतारे हैं, तो क्या मकसद है और क्या एजेंडा है? देखिए, हमारा एजेंडा जो है वो एकदम साफ तौर पे है कि हमारा यही नारा ही है
हमने काम किया है और काम करेंगे और नगर पंचायत का विकास करेंगे, यही हमारा ध्येय है। शिक्षा सुरक्षा एवं चिकित्सा की व्यवस्था उचित एवं सुचारू रूप से करना हमारा उद्देश्य है। जैसे कि आपने कोरोना काल से लेकर अभी तक जो ज़मीनी हकीकत है, जो जनता जनार्दन आपको एक अलग नज़रिए से देखती है कि आपने कोई भी जातिगत कोई भी भेदभाव नहीं रखा, अभी तक कोरोना काल से लेकर अभी तक आपने समाज का सेवा किया, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, तो इस तरीके काम करना और आगे आप क्या लोगों से उम्मीद रखते हैं? देखिए, लोगों पे हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमारा साथ देंगे, क्योंकि हमारा काम उनको पसंद है, लोगों का रुझान भी मिल रहा है कि वो साथ देंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों के विश्वास पर खरे उतरेंगे। जैसे कि दावे और वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जब उस मुकाम के अध्यक्ष के पद पर पहुंचा जाता है तो वो दावे वादे भूल जाते हैं लोग, क्या ऐसा हो पाएगा? देखिए, अभी तक जो लोग भी चुनाव में आए हैं वो केवल चुनावी समय के लिए आए हैं, और लोगों का हमारे ऊपर करीब 20 साल से भरोसा और विश्वास है। और देखिए, जिसका जो काम करने का रूल होता है वो दिखाई देता है, तो इस वजह से लोगों को विश्वास है और हम अपने भरसक पूर्णता खरे उतरेंगे। तो ये थे हमारे साथ जो है अजय कसाधन उर्फ मोदी, जो समाज सेवी के रूप में पहचाने जाते हैं, नगर पंचायत पद के प्रतिनिधि के उम्मीदवार हैं, जो इनकी पत्नी हैं रोहिणी देवू हैं, जो अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हैं। कैमरा पर्सन ज्ञान प्रकाश पांडे के साथ राहुल पांडे, प्राइम टीवी अंबेडकर नगर। खबर गाजीपुर से है, जहां शुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयान देते हुए कहा कि सच ये है कि अभी भी हम किसी से गठबंधन करने के मूड में नहीं है। ओपी राजभर ने दावा किया है कि वो अकेले अपने दम पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेंगे। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने साफ किया है कि जहां जहां शुभासपा की तैयारी है वहां अकेले चुनाव लड़ेंगे, साथ ही भगवान राम कृष्ण की धरती यूपी में शराबबंदी क्यों नहीं होती है। सच तो यह है कि अभी हम गठबंधन के मूड में नहीं है किसी के, अभी हम अपना मूड जनता के बीच में। आपने देखा कि हम जनता को सावधान करने गए, भाई देखो आप हवा में वोट मत दो, आप अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा के लिए कौन लड़ रहा उसके साथ खड़े हो, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, जातिवाद जनगणना के लिए, ये जो मुद्दे हैं इस मुद्दों पर आप तैयार रहो। अगर इन चीज़ों के लिए गांधी जी का प्रदेश, सरदार पटेल का प्रदेश, जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो ये गांधी जी के नेतृत्व में यही संदेश गया कि देश आज़ाद होगा तो शराब बंद होगी, सरकार बनेगी तो पूरे देश में। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने परिवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए। बता दें कि 30 अप्रैल तक अवैध निर्माण से संबंधित सभी वाद सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने होंगे, जिसके बाद कार्य में लापरवाही पर संबंधित पेशकार के खिलाफ कार्यवाही होगी। साथ ही उपाध्यक्ष ने जोनल अधिकारियों को निर्देश अपनी अपनी कोर्ट का निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं शहर में अवैध निर्माण पर शिकंजा कसने के लिए अब एलडीए के विहित न्यायालयों में दर्ज अवैध निर्माण के मुकदमों की सुनवाई ई कोर्ट के माध्यम से होगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने ई कोर्ट व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए 1 मई की तारीख निर्धारित की है। औरैया में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। फिर से एक महिला कोरोना संक्रमित मिली है। 45 साल की महिला इलाज के लिए कन्नौज गई थी, वहां पर उसके लक्षण देख चिकित्सकों ने जांच कराई तो वो कोरोना संक्रमित पाई गई। रिपोर्ट मिलने के बाद उनके परिजनों और संपर्क में आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। तो वहीं आज पूरे जिले में मॉक ड्रिल करके कोविड को लेकर व्यवस्थाएं परखी जाएंगी। बाहर से आने वाले लोगों की जाँच कराने की तथा सीएमओ अर्चना श्रीवास्तव ने अपील की है। अब जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3 हो गई है।
औरैया में जिलाधिकारी पीसी श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट सभागार में शासन की ओर से संचालित जन कल्याणकारी लाभपरक विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान योजनाओं के संचालन में जिला पंचायत राज अधिकारी की ओर से रुचि न लेने पर जिला अधिकारी ने जरूरी निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अर्चना श्रीवास्तव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2022 का फाइनल परिणाम जारी किया, जिसमें प्रदेश की लड़कियों ने अपना परचम लहराया। लखनऊ की निवासी कृतिका सिंह ने यूपी पीसीएस 2022 की परीक्षा में 98वीं रैंक हासिल किया है। साथ ही डिप्टी एसपी के पद पर चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया है। अपनी मेहनत के बल पर डिप्टी एसपी बनी कृतिका सिंह के पिता रमेश कुमार सिंह पेशे से किसान हैं। प्राइम टीवी के संवाददाता रितेश श्रीवास्तव ने डिप्टी एसपी बनी कृतिका सिंह से खास बातचीत की है, चलिए आपको सुनाते हैं। वो अभी डिप्टी एसपी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है, हम उनसे बात करना चाहेंगे और उनका स्वागत भी करना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 यूपी पीसीएस की जो परीक्षा हुई है उसमें कहीं ना कहीं अब की बार जो लड़कियां थी उन्होंने बाजी मारी। पूरे उत्तर प्रदेश की जो बेटियां रहीं उन्होंने अपना शीर्ष स्थान स्थापित किया। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 10 लड़कियों ने टॉप किया, जो 10 छात्राएं थी उन्होंने टॉप किया, कुछ कुछ छात्राएँ सेकेंड अटैम्प्ट में भी टॉप की। हमारे साथ लखनऊ की कृतिका सिंह मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। वो अभी डिप्टी एसपी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे और उनका स्वागत भी करना चाहेंगे। कृतिका जी, आपका प्राइम टीवी में स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने डिप्टी एसपी का पद हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी जो सफलता है वो एक दिन की नहीं है। मैंने जो अपना डेडिकेशन था वो लगातार पूरी जर्नी में मेंटेन रखा, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपना डेडिकेशन लास्ट टाइम तक, जब तक सक्सेस ना मिले तब तक कंटिन्यू रखना है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कोई परीक्षा होता है, परीक्षा कोई आता है, चाहे वो 9th का हो या 10th का हो या बोर्ड एग्जाम हो, तो परीक्षार्थी कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या रहेगी इस परीक्षा को लेकर? सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है कि ये परीक्षा एक दिन या एक साल की नहीं है, ये लगातार हमारे 2-3 साल की मेहनत होती है और ये साइकिल हमारा 1.5 साल का साइकिल होता है, जिसमें प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू। तो इतना लंबा साइकिल में आप खुद को सस्टेन करना हर स्टेप में, क्योंकि हर स्टेप में आपको खुद को प्रूव करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता था, क्योंकि हम डिप्रेस होते हैं, हम फेल होते हैं, तो हम खुद को डिमोरलाइज फील करते हैं। तो ये मेरी लाइफ में भी ये भी चैलेंज था कि मैं खुद को कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे लगता था कि हाँ प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं वहाँ पे खुद को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती रहती थी। सबसे बड़ी बात कृतिका जी, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कोई ना कोई परिवार में एक घर में कुछ अधिकारी होता है, उनके बच्चे कहीं ना कहीं निकलते हैं। एक जो किसान परिवार से आप आती हैं, कहीं ना कहीं आपके फादर किसान हैं, तो उन्होंने किस तरीके से आपको पढ़ाया और आपने कैसे अपने परिवार में अपनी पढ़ाई को और किसको श्रेय देना चाहती हैं इसको लेकर? मैं इसकी अपनी पढ़ाई जो मैंने करी, क्योंकि लगातार मेरे फादर ने मुझे बचपन से ही सपोर्ट किया, उनका सपना था कि मैं एक अच्छे पद पे जाऊं और उनका नाम रोशन करूं। तो मैंने जो अपनी पढ़ाई में फादर से इंस्पिरेशन वही मेरे लिए थे, क्योंकि उन्होंने ये मेरे को बताया कि एक लड़की के लिए हो सकता है कि उसका परिवार होता है, बट तुम्हारे लिए अभी तुम जिस पोजीशन पे हो, तुम हो सकता है एक समाज के लिए कुछ ना कुछ एक आइकन के रूप में निकल के आओ। तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा इंस्पिरेशन, मेरी मदर और मेरे पूरा परिवार। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप डिप्टी एसपी के पद पर चयनित हुआ है, आपका जो चयन हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें होती हैं कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे पीपीएस सर्विस में सर्व करने का मौका मिलेगा, जहां सबसे बड़ा चैलेंज ही यही देखा जाता है कि महिलाओं के प्रति जो इनसेंसिटिविटी पुलिस में या पुलिस को के पास महिलाओं को जाने में डर लगता है। तो मैं अगर प्रशासन में हूं तो मैं ये चाहूंगी कि महिलाओं और बच्चों को जितनी मेरी तरफ से सर्विस हो, जितना मैं अप्रोचेबल हो पाऊँ उनके लिए, सबसे बड़ा मेरा डेडिकेशन वही रहेगा उनके लिए। तो सबसे बड़ी बात कृतिका जी, आपने इतने बड़े परीक्षा में चयन हुआ आपका, इस परीक्षा को आपने दिया, अब कहीं ना कहीं आपका चयन होगा किसी जिले में, किसी आप ऐसी जगह पर बैठेंगे जहां आपको जनता की सेवा करने का आपको अवसर मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात ये होती है महिला सशक्तिकरण को लेकर के आपका क्या कहना है? महिला सशक्तिकरण बस एक टर्म नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है।
और हमारा सशक्तिकरण हमारे परिवार से, हमारे समाज से और हमारे आसपास जो भी लोग हैं वो सब हमें सशक्तिकरण करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो मेरा यही है कि जितनी भी वुमेन्स मुझे देख रही हैं या फिर जो भी मुझसे इंस्पिरेशन ले रही हैं, मैं ये कहूँगी आप खुद को अपने पैरों पर खड़ा करिए और फिजिकली, मेंटली, सोशली हर एंगल में आपको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ आपके परिवार को स्ट्रेंथ देती है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अभी कुछ दिनों के बाद आपका अभी ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद आपको वो कुर्सी मिलेगी, उसके बाद फिर आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी जब आप उस कुर्सी पर बैठेंगी, जब आपको जनता का सेवा करने का आपको जब मौका मिलेगा तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी और किस तरीके से, किस रूपरेखा को तैयार करके आप उस जगह को वहाँ पर बैठेंगी और लोगों को लाभ पहुँचाएंगी? सबसे पहला मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी प्राथमिकता ये होगी कि मैं जिस भी माहौल में मुझे पोस्टिंग मिले मैं अडेप्टेबल हूँ उस एनवायरमेंट को, वो जगह जहाँ मैं जाऊँ उस चीज़ों को मैं अडेप्ट कर पाऊँ सबसे अच्छा। और उसके बाद मैं लर्न करना, मैं भी एक अच्छे लर्नर के रूप में हमेशा काम करना चाहूँगी, मैं लोगों से सीखूँ और हर बार अपना एक बेटर वर्जन उनको प्रूव करके दिखाऊँ। और विद मैं ये भी चाहूँगी कि मैं जो भी करूँ वो उनके हित में हो, कभी उनका मेरी तरफ से कभी भी हित खंडित ना हो। बहुत अच्छी बात है, ये हमारे साथ बात कर रही थी, अभी डिप्टी एसपी के पद पर इनका चयन हुआ है, कृतिका सिंह हमारे साथ बात कर रही थी। प्राइम टीवी की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जिस तरीके से अब की बार उत्तर प्रदेश सरकार में 2022 की ये जो परीक्षा का परिणाम आया है, कहीं ना कहीं प्रदेश की बेटियों के लिए उनको प्रमुखता पर रखा गया है और प्रदेश की जो बेटियाँ हैं वो कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी मजबूत की हैं और आने वाले समय में जब इनको वो कुर्सी मिलेगी तो ये महिलाओं के लिए कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। कैमरामैन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। रायबरेली में गंगा स्नान करने गए किशोर की नदी में डूबकर मौत हो गई। किशोर की नदी में डूबकर हुई मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि नरवा पार गांव का रहने वाला मृतक किशोर अपने दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने आया था। स्नान के दौरान वह गहरे पानी में चला गया जहां वह डूबने लगा, तभी दोस्तों के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उसे किसी तरह बाहर निकालकर सीएससी पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला ऊंचाहार थाना इलाके के गंगा नदी पर पूरे तीर खरौली घाट का बताया जा रहा है। प्रधान जी, क्या घटना हुई आज? आज ये कुछ बच्चे नरवा पार से गए थे गंगा नहाने और उस गंगा, कई बच्चे में ये इनका आराम से जीवन का लड़का था सिद्धांत, इसकी गंगे में डूब के मृत हो गई है। हम लोग लाके अस्पताल लाए हैं, यहाँ मृत घोषित कर दिया गया है। उसी के लिखा पढ़ी घटना वगैरह हो रहा है पोस्टमार्टम करने के। सिद्धार्थनगर जिले में कुछ दबंगों ने एक युवक को लाठी, डंडों और धारदार हथियार से पीटकर उसे लहूलुहान कर दिया। घायल युवक गेहूं की कटाई करके अपने घर वापस आ रहा था। यह मामला खेसरहा थाना क्षेत्र के कलनाखोर गांव का है। घटना की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। घायल युवक का इलाज मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर में हो रहा है जहाँ उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मिलन पासवान ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर धारदार हथियार से हमला कर दिया। युवक ने बताया कि खेसरा थाने में उन्होंने तहरीर दे दी है और मुकदमा भी पंजीकृत हो गया है। अब वो लोग नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम गोलू यादव उर्फ संजीव यादव है, मैं कलनाखोर का निवासी हूँ। अच्छा, ये मेरे चाचा जी हैं। अच्छा, क्या हुआ आपके चाचा को इतने गंभीर चोट है? इसे चाचा हमारे अकेले इसमें भूसा बनता है, ट्रैक्टर चलाते हैं, तो अकेले अपना ट्रैक्टर लेके आ रहे थे। ये लोग गुटबंद होके बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से चारों तरफ से घेर के अपना जो इन पर वार कर दिए, धारदार हथियार, भाला, फरसा, लाठी, डंडा, जो भी था, मतलब योजनाबद्ध तरीके से इन पर वार किए हैं बिल्कुल। ये निर्मल पासवान के घर के थे, मिलन पासवान, उनके लड़के ब्रजेश पासवान, अवधेश पासवान, शैलेंद्र पासवान, वार्ड में भी दो चार लोग थे। नहीं नहीं वो लोग। आज दिनांक 10 अप्रैल को श्री जीते पुत्र घीसन यादव निवासी कलनाखोर खेसरहा द्वारा थाना खेसरहा पर सूचना दी गई कि आज प्रातः जब उनका भतीजा दुर्गेश यादव नित्य क्रिया के लिए जा रहा था तो गाँव के ही चार व्यक्तियों द्वारा उनके भतीजे के साथ मारपीट की गई। पुलिस द्वारा तत्काल उक्त सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 76/23 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है,
जिसकी विवेचना की जा रही है। मुलजिमों की गिरफ्तारी के हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। मुलजिम अपने घरों से फरार है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। शीघ्र ही अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।